नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर छठवें दिन भी, आपको बता दें कि जो स्थिति बनी अब वो बढ़ते बढ़ते अब दो सप्ताह में बदल गई। मंगलवार को भारत बंद बुलाया गया जिसे राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया, लेकिन शाम होते होते तस्वीरें बदलती दिखीं। किसान नेताओं ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कई घंटे तक चली इस बैठक में किसानों की मांग पर बात हुई और सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे। हालांकि सरकार कानूनों में कुछ संशोधन करने पर तैयार दिख रही है। भारत बंद की म्याद खत्म होने के तुरंत बाद किसान नेता राकेश टिकैत, आपको ये बता दें कि उन्होंने जानकारी दी कि शाम को गृहमंत्री अमित शाह कुछ किसान नेताओं से मिलेंगे। शाम 7 बजे बैठक का वक्त तय हुआ, लेकिन जगह को लेकर कन्फ्यूजन के कारण मीटिंग देरी से शुरू हुई। देर रात तक चली बैठक के बाद जब किसान नेता बाहर आए तो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं दिखे। किसान नेताओं के मुताबिक सरकार कृषि कानून वापस न लेने पर अड़ी है और संशोधन के साथ लिखित प्रस्ताव देने की बात कर रही है। बुधवार को ही सरकार प्रस्ताव देगी जिस पर किसान मंथन करेंगे। किसानों की ओर से कृषि कानूनों में काफ़ी खामियां गिनाई गईं और कहा गया कि सभी कानूनों को वापस लिया जाए। हालांकि अब सरकार ने ये साफ कर दिया कि वह कानून वापस नहीं लेगी। ऐसे में किसानों की कुछ मुख्य चिंताओं को दूर करने की कोशिश है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून में अभी किसानों के पास कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है। ऐसे में सरकार इसमें संशोधन कर कोर्ट जाने के अधिकार को शामिल कर सकती है। प्राइवेट प्लेयर अभी पैन कार्ड की मदद से काम कर सकते हैं, लेकिन किसानों ने पंजीकरण व्यवस्था की बात कही है। सरकार इस शर्त को भी मान सकती है। इसके अलावा प्राइवेट प्लेयर्स पर कुछ टैक्स की बात भी सरकार मानती दिख रही है। किसान नेताओं के मुताबिक अमित शाह ने MSP सिस्टम और मंडी सिस्टम में किसानों की सहूलियत के अनुसार कुछ बदलाव की बात कही है। किसान नेता के मुताबिक सरकार ने कहा कि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। दरअसल किसान अब कानून वापसी पर अड़े दिख रहे हैं। किसान नेताओं का तर्क है कि अगर कानून में संशोधन होता है तो उसकी रूपरेखा बदल जाएगी, वो किसी और स्टेक होल्डर को गलत तरीके से प्रभावित कर सकता है। किसानों ने सरकार के साथ पिछले कई दौर में बातचीत की और बिंदुवार खामियां गिनाई। ऐसे में किसानों का कहना है कि जिस कानून में इतने संशोधन की जरूरत हो, हर कानून में लगभग 8 से 10 गलतियां हो तो उसका औचित्य रह क्या जाता है। किसानों को कानून की शब्दावली में भी दिक्कत है, जो किसानों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। किसानों की ओर से सरकार को पहले भी कहा जा चुका था कि सरकार इस पूरे MSP सिस्टम के साथ कानूनों को रद्द करे। हालांकि सरकार इस बात का भरोसा दे रही है कि MSP कभी खत्म नहीं होगी। इसके अलावा किसानों की मांग थी कि मंडी सिस्टम खत्म ना हो, क्योंकि मंडियों में मौजूद आढ़तियों के साथ जैसा कामकाज किसानों का होता है वो किसी कंपनी के साथ नहीं हो सकता। और उसके बाद फिर किसान के जो लीडर हैं और जो धरने पर किसान बैठे हैं उनकी भी प्रतिक्रियाएँ आईं। क्या कुछ उन्होंने भी कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। हालांकि आपको बता दें कि किसान की प्रतिक्रिया हम जरूर आपको सुनाएंगे, लेकिन तस्वीरें देखिए, सुबह की तस्वीरें हैं। अब किसानों की चिंताएं और बढ़ गई हैं। हालांकि लिखित प्रस्ताव भेजने की बात कही गई है सरकार की ओर से, अब उस पर मंथन होगा। उसका समय दोपहर 12 बजे निर्धारित किया गया है कि दोपहर 12 बजे लिखित प्रस्ताव किसानों को मिलेगा। जो किसान बैठे हुए हैं वहाँ, और उसके बाद मंथन करेंगे किसान नेता, तब इस मामले में कुछ और आगे रणनीति तय होगी। भारतीय जनता पार्टी से कैप्टन आइसिंग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन साहब, बहुत स्वागत है आपका। कैप्टन साहब, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है। बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। सरकार से लगातार बातचीत हुई, 5वें दौर की बातचीत भी हुई, और किसान ने एक बड़ा आंदोलन भी देखने को मिला उस दरमियान जब भारत बंद का ऐलान कर दिया। 6वें दौर की वार्ता आज होनी थी जो कि अब स्थगित हो गई। देर रात गृहमंत्री से आपके किसान नेताओं की बातचीत हुई सर, उसमें भी कोई हल नहीं निकल पाया। अब किसानों की चिंताएं ये हैं कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि देखिए, जो कानूनों को आप रद्द करने की मांग कर रहे हैं वो तो किसी भी सूरत हाल में सरकार वापस नहीं लेगी, लेकिन कुछ संशोधन हो सकते हैं, लिखित प्रस्ताव भेजा जाएगा। किस तरह की रणनीति आप देख पा रहे हैं और क्या वाकई में जल्द से जल्द ये मामला निपट जाएगा? क्योंकि किसान कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, यानी कि उनके जो बिंदुवार हैं उनकी मांगें पूरी नहीं होती, वो तो हटने वाले नहीं। सुनील जी, जी सरकार अपनी मंशा शुरू से ही साफ बिल्कुल रख रही है। सरकार ने कहीं कभी कोई गलत स्टेप नहीं लिया है, किसान हित में ही बात करी है, मगर इस बात को किसान नहीं समझ पा रहे।
क्योंकि उसका मुख्य कारण ये है किसानों के साथ जो है ना, अब किसान ना कम है, अन्य लोग ज्यादा है। जो आपने कल आंदोलन में देखा होगा कि किस तरह के लोग साथ में थे, जिसमें कन्हैया था, कुमार था, और रावण भी था, और तो इसके खालिस्तान समर्थक भी थे, लिबरल भी थे। तो इस तरह के लोग जब आंदोलन में शामिल हो जाएं, तो आप सोचो कि वो आंदोलन जरूर बिल्कुल अपने मार्ग से भटक जाता है। तो ये मार्ग से अपने भटक चुके हैं, इन्हें अपना ये अच्छा और बुरा किसानों को समझ में नहीं आ रहा है। सरकार स्पष्ट कर रही है कि हम आपके साथ हैं, आप एमएसपी की बात कर रहे हैं वो कभी खत्म नहीं होगी, हम उसके लिए तैयार हैं। और किसानों की जो जो मांगे हैं उन पे हम हर जगह जो है ना बदलाव करने के लिए तैयार सरकार बैठी है। माननीय हमारे मोदी जी कह रहे हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री जी कह रहे हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी ने बार बार इसी बात को दोहराया है। नरेंद्र सिंह जी ने तो यहाँ तक कहा है कि मैं इन बातों को आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप कभी भी इन चीजों में ऐसा ना सोचें कि कहीं कभी कुछ आपको कमी नजर आएगी, हम तो एक किसान हित में हैं। और सत्यता भी है कि किसान नरेंद्र सिंह तोमर खुद एक किसान पुत्र हैं, आज भी उनके घर में किसानी होती है हर तरह से, कहीं कोई कमी नहीं है। तो ऐसा ये ना सोचे, मगर अब पता नहीं है आंदोलनकारी कहाँ भटक चुके हैं, किसके वे कहने अनुसार ये चल रहे हैं और अपनी जिद पकड़ के बैठे हैं। तो जिद को देखो किसी बात की अच्छी नहीं होती। मैं आज भी कह रहा हूँ किसानों के, आज भी किसानों से गुजारिश करूंगा कि आप दोबारा अपनी मांगों से जो है ना वापस लेके और सरकार के साथ फिर बात चर्चा करें। सरकार आपके साथ खड़ी है, सरकार आपकी है, किसी और की नहीं है। तो ये इनको सोचना पड़ेगा कि सरकार आपके हितों के जो कुछ कर रही है आपके हितों के लिए कर रही है, आपसे बिल्कुल हटके नहीं है। मगर अब पता नहीं इनके साथ ये कुछ जो खालिस्तान वाले भी साथ में नारे लगा रहे, खालिस्तान जिंदाबाद। कैप्टन साहब, अगर आप ये कहेंगे कि पता नहीं न जाने कौन क्या, तो फिर सिस्टम पर तो सवाल उठेंगे ना। आपको नहीं पता तो किसको पता होगा, तभी तो हम आपको बता रहे हैं कि ये इनके साथ ये लगा रहे हैं। मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि इनको सोचना चाहिए कि ये हमारे साथ में खालिस्तान लगा रहे हैं, ये क्यों खड़े हैं। इनको आप भगाइए अपने पास से, बड़ा आंदोलन में आप इनको ले रहे इस तरह, आपके आंदोलन में कैप्टन साहब आपकी आवाज़ जो है नेटवर्क की वजह से, शायद तकनीकी कमी की वजह से स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा संपर्क करने की मैं कहूंगा अपनी टीम को कि वो कोशिश करेगी आपसे। रामपाल जाट इस वक्त हमारे साथ किसान नेता भी जुड़ गए हैं। रामपाल जी बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। रामपाल जी, आज जो वार्ता होने वाली थी वो तो स्थगित हो गई, लिखित प्रस्ताव मिलेगा आप लोगों को, क्या माना जाए, लिखित प्रस्ताव से बनेगी बात? हम तो ये बता रहे थे कि सरकार दो अध्यादेश ले आए लिखित में। पहला अध्यादेश न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की कानून के लिए, दूसरा अध्यादेश तीनों जो कानून है इनको वापसी के लिए, है ना, वार्ता की जरूरत नहीं। रामपाल जी, सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि तीनों कानून वापस नहीं होंगे किसी भी हाल में। कानून तो रद्द होंगे ही नहीं, लेकिन हाँ कुछ संशोधन हो सकते हैं, उस पर आप लोग अपनी बात जो रख रहे हैं लगातार उन पर विचार होगा और वही लिखित प्रस्ताव आज आप लोगों को मिलेगा जिस पर मंथन होना है। ये जो सरकार, हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि क्या बात बन पाएगी, क्योंकि आप अब इस बात को तो दोहराना ऐसा लगता है कि शायद, क्योंकि आप पहले दिन से कह रहे हैं कि ये तीनों कानून रद्द होने चाहिए, और सरकार देर रात जो बातचीत हुई गृह मंत्री से भी, 13 से 14 जो किसान नेता पहुंचे, राकेश टिकैत भी थे, नरेश टिकैत भी थे उसमें, उसमें सीधे तौर पर ये कह दिया गया कि ना ये तो वापस नहीं होंगे कानून, संशोधन हो सकता है। ये तो सरकार ने शुरू से ही कह रखा है, तो नई बात कुछ नहीं है जो कह दिया। तो सरकार जो बिल लाई, ये जो निवेश को आगे बढ़ाने के लिए, निवेशकों को रिझाने के लिए जो बिल लाई है, ये तो पहले से इसकी मंशा स्पष्ट है। और ये सारा देखकर हमने ये तय किया था
ये जो निवेश आधारित विकास है इसके कारण से किसान का नुकसान होगा, केवल पैसे वालों का भला होगा। इस कारण से इसको आप बदलो। और ये देश कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश में किसान केंद्र और कृषि आधारित नीति यही देश को खुशहाल कर सकेगी। इसलिए जो कहा गया कि भारत देश के विकास का रास्ता खेत और खलिहान की पगडंडी में जाता, सुनील जी उस और सरकार को आना चाहिए। और उसी के लिए हम ये आग्रह कर रहे हैं सरकार से कि वो इन तीनों कानूनों को वापस ले, MSP पे खरीद की गारंटी का कानून लाए। इससे किसान खुशहाल होगा और देश के ललाट पर किसानों की आत्महत्याओं का लगा हुआ तरंग वो धुलेगा और किसान फिर ऋण नहीं मांगेगा, ऋण देना वाला बनेगा। और जिस दिन किसान ऋण देने वाला बन जाएगा उस दिन हिंदुस्तान हो जाएगा दुनिया में नंबर वन। इसके लिए लड़ाई हमारी। ये उम्मीद करते हैं रामपाल जी कि आज जो लिखित प्रस्ताव जो पहुंच रहा है उसमें कुछ बिंदुवार आप लोग विचार विमर्श करें। हालांकि मंथन आप लोगों को करना है उस लिखित प्रस्ताव पर। अब देखना यह है कि ये मामला क्या यहाँ निपट पाता है, क्या आप लोगों की मांगें मुरादें पूरी हो पाती हैं, या फिर ये आंदोलन आप जैसा कह रहे हैं कि हम तो राशन लेके आए हैं साल भर का, हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक मांगें नहीं पूरी हो जाती, कि ये आंदोलन आगे खींचेगा। उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द निपटारा हो और सभी अन्नदाताओं के चेहरे पर खुशियाँ आएँ। बहुत शुक्रिया रामपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े। कैप्टन आई सिंह भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, उनका भी बहुत धन्यवाद। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। प्रिय हरियाणावासी भाई और बहनों, इन दिनों धुंध और कोहरा छाने लगा है जिससे सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। मैं वाहन चालकों से अपील करता हूं कि यातायात के नियमों का पालन करें, वाहन पर नियमानुसार समुचित रिफ्लेक्टर लगवाएं, वाहन के बीच उचित दूरी बनाए रखें, अपनी सुविधा एवं सुरक्षा के लिए फॉग लाइट लगवाएं और उसका उपयोग करें, वाहन धीमी गति से चलाएं और शराब पीकर वाहन न चलाएं, गलत दिशा में वाहन न चलाएं और सड़क पर पार्किंग न करें, सड़क पर बनी सफ़ेद पट्टी का ध्यान रखें, वाहन को लो बीम पर चलाएं, दुर्घटना होने की स्थिति में तुरंत वाहन से निकलने और सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें, पुलिस को तुरंत सूचित करें ताकि आपको मदद मिल सके और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को भी सड़क से हटाया जा सके। धन्यवाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। यूपी से जुड़ी हुई एक खबर यूपी के युवाओं और किसान दोनों के लिए खुशखबरी है। दरअसल योगी सरकार नव चयनित नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र सौंपेगी। इनकी नियुक्ति के उन किसानों को भी फायदा मिलेगा जिन्हें सिंचाई के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 दिसंबर को सरकारी आवास पर मिशन रोजगार के तहत सिंचाई और जल संसाधन विभाग के नव चयनित करीब 3209 नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र बांटेगी। इस मौके पर नवनियुक्त पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों से मुख्यमंत्री वर्चुअल संवाद भी करेंगे। गौरतलब है कि इन नलकूप चालकों का चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा परीक्षा के माध्यम से किया गया है और नलकूप चालकों की नियुक्ति से आपको बता दें कि नलकूप का संचालन और रखरखाव आसान होगा और इसका फायदा किसानों को होगा जिन्हें बिना किसी रुकावट के सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। साथ ही नलकूप से गड़बड़ी होने पर इन्हें समय पर ठीक कराया जाएगा और इनके लिए किसानों को बेवजह परेशान नहीं होना पड़ेगा। हालांकि आपको बता दें अब तक किसानों के साथ बहुत सारी समस्याएं सिंचाई को लेकर आती थीं, लेकिन उन समस्याओं के समाधान के लिए एक और बड़ा कदम योगी सरकार का। पुनीत मोहन हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं फोनलाइन पर। पुनीत, एक और बड़ी योजना का शुभारंभ और सीधे तौर पर ये योजना ऐसी है जो डायरेक्ट नियुक्ति पत्र अपने आवास से ही मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं, हालांकि ये एक बड़ा कदम है, ऐसे में किसान और युवाओं के चेहरे खिलेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से योगी सरकार रोजगार को लेकर के और युवाओं को लेकर के काम कर रही है और जिस तरीके से सरकार ने वादा किया था कि युवाओं को रोजगार देंगे,
लगभग 3200 नलकूप हैं, कर्मचारी हैं जिनको आज मुख्यमंत्री स्वयं नियुक्ति पत्र देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से इनका सिलेक्शन हुआ है और इस भर्ती में किसी भी तरीके की लापरवाही या किसी भी तरीके की देरी नहीं बरती गई है। और सीधे तौर से चयन आयोग से परीक्षा कराने का मतलब ही यही था कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी हो और किसी तरीके का आरोप न लगे, क्योंकि जो पिछली सरकारें थी उनकी जब इतनी बड़ी स्तर पर भर्तियां होती थी तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी इस बात को लेकर के कोर्ट चले जाते थे कि धांधली हुई है या भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन कहीं सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो जो 3200 नलकूप कर्मचारियों की भर्ती हो रही है वो बिल्कुल पारदर्शी है। और इससे दो लोगों को फायदा है, एक तो किसान को, क्योंकि नलकूप कर्मचारियों की सबसे ज्यादा मांग थी और कहीं ना कहीं अधिकारियों से लेकर के कर्मचारियों की नलकूप विभाग में खासा कमी थी और जल संसाधन जो मंत्रालय है उत्तर प्रदेश सरकार का वो काफी दिनों से इसकी मांग कर रहा था। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा युवाओं को है जो सरकारी नौकरी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनकी आशा जगी है, क्योंकि अभी आप इससे पहले देखेंगे तो शिक्षकों को योगी सरकार ने नियुक्ति पत्र दिया था और लगातार वैकेंसियां ओपन हुई हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि उन्होंने जो वादे किए हैं उसे वो निभाएंगे और इसी क्रम में कदम उठाए जा रहे हैं। जी, तरह की समस्याओं से जूझ रहा था किसान, ये जो सिंचाई की समस्या थी यूपी में खासतौर पर, और बुंदेलखंड के लिए तो एक बड़ी खुशखबरी और बड़ी सौगात हो गई है, क्योंकि बुंदेलखंड अक्सर करके सिंचाई के रखरखाव और नलकूपों की व्यवस्थाओं जो व्यवस्थाएं नहीं हो पाती थी, जो अव्यवस्था थी उससे परेशान होता था वहाँ का किसान। देखिए सुनील, सीधे तौर पर अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि योगी सरकार ने बुंदेलखंड में सिंचाई को लेकर के काफी काम किया है, कई नई पाइपलाइंस बिछाई गई हैं और जिन जगहों पर पानी नहीं पहुंच पाता था, जहां पर सिंचाई की बहुत समस्याएं थी और जो मुख्यमंत्री को चाहे वो विधायक के माध्यम से हो या संसद के माध्यम से हो या फिर आम जनमानस के माध्यम से हो, जो पत्र प्राप्त हुए हैं उस पर कार्यवाही हुई है और वहां तक लाइनें बिछाई गई हैं। जब इतने बड़े क्रम में लाइनें बिछाई गई तो कहीं ना कहीं जरूरत हो रही थी कि नलकूप कर्मचारियों की अधिकारियों की भर्ती हो, जिसके चलते किसी भी तरीके के आगे रुकावट ना आए। और आज जिस तरीके से 3200 वैकेंसियां हैं इसमें ज्यादातर जो पोस्टिंग होगी वो बुंदेलखंड इलाके में ही होगी, क्योंकि बुंदेलखंड को हरा भरा करने का योगी सरकार ठान चुकी है और ऐसे में सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। नौकरी में किसी तरीके का भ्रष्टाचार का आरोप ना लगे इसलिए आयोग से इसकी परीक्षा कराई जा रही है और मुख्यमंत्री स्वयं अभ्यर्थियों से जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करते हैं तो ये साफ तौर पर पूछते हैं कि किसी को 1 रुपये देना तो नहीं पड़ा, अगर किसी को 1 रुपये आपने दिया है तो मुझे बताइए। और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यही पारदर्शिता है कि जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के युवा, उनमें भी एक उम्मीद जागी है कि योगी सरकार आगे और भी रोजगार उपलब्ध कराएगी। जी, किस तरह से रूपरेखा रखी गई है पुनीत इस पूरे कार्यक्रम की और कितने बजे ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा? देखिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के द्वारा आज 3200 जिन अभ्यर्थियों को ये लेटर दिया जाएगा वो लगभग 11:30 बजे है और मिशन रोजगार के तहत इस ये 3209 नलकूप चालकों की नियुक्ति पत्र देंगे और पदस्थापना तथा संवाद करेंगे। 5 कालिदास मार्ग जो सीएम का घर है वहां से ये कार्यक्रम होगा, वेबिनार के माध्यम से कार्यक्रम होगा और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई अभ्यर्थियों से खुद जुड़ेंगे सीएम। और सीएम का जैसे पहले सवाल रहा है, एक सवाल फिर रहेगा कि किसी को 1 रुपये देना तो नहीं पड़ा। और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आज मिशन भी रोजगार के तहत जो उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है उसमें यह अगला कदम है। जी, प्रतिक्रियाएं किस तरह की पुनीत लोगों की आ रही हैं, और खासतौर पर उन युवाओं की जिन्होंने जिनको सरकारी नौकरी अब इस विभाग में मिली है जाकर और नलकूप जैसे एक सिस्टम से वो जुड़े हैं, तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं उनकी? उन्होंने खासा उम्मीदें छोड़ दी थी क्योंकि ज्यादातर जो नौकरियां थी उत्तर प्रदेश की वो कोर्ट चली जा रही थी। यहाँ पे कहावत भी हो गई थी कि अगर यहाँ पर सरकारी नौकरी भरी जाती है या तो मिलती नहीं है या तो आधी से ज्यादा सरकारी नौकरियां कोर्ट में लंबित हो जाती हैं। लेकिन अब जिस तरीके से मिशन रोजगार के तहत योगी सरकार काम कर रही है और लगातार विभागों में जो वैकेंसी निकाली गई है, कोरोना काल के बाद भी योगी सरकार ने वादा किया कि हम लाखों वैकेंसियां निकाल रहे हैं और लगातार उस क्रम में वैकेंसियां निकल रही हैं, लोग फॉर्म भर रहे हैं और जो लंबित थे चाहे वो नलकूप चालकों की भर्ती हो 2018 या 2019 से लंबित थी उनको भी क्लियर किया गया है। अन्य विभागों में भी जो लंबित भर्तियां चल रही हैं उन्हें लगातार क्लियर करने का काम योगी सरकार कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया पुनीत आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा तोहफा आज, आपको बता दें कि युवाओं और किसानों के लिए ये खुशखबरी है, योगी सरकार नव चयनित नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र सौंपेगी और इनकी नियुक्ति से उन किसानों को भी फायदा मिलेगा जिन्हें सिंचाई में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, मुंबई से खबर है सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हुई। ड्रग्स के केस में एनसीबी ने आपको बता दें कि ड्रग्स सप्लायर और एक पेडलर को, रेगल महाकाल नाम का ये पेडलर जिसको गिरफ्तार किया है,
आपको ये बता दें कि अनूक केशवानी को ये ड्रग्स आपूर्ति करता था। केशवानी ने इस ड्रग्स को कैजान को दिया, जो कि रिया और शोभिक के माध्यम से सुशांत तक पहुंचता था ये ड्रग्स। एनसीबी की टीम अंधेरी के लोखंडवाला में छापेमारी कर रही है और आपको ये भी बता दें अभी तक बड़ी तादाद में नकदी और ड्रग्स भी बरामद हुआ है। छापेमारी लगातार ये जारी है। गौरतलब है कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही कई एजेंसियों ने मुंबई में डेरा डाला हुआ है और केस की जांच के दौरान ड्रग्स से जुड़ी हुई बातें सामने आई थीं, जिनकी कड़ियां अब एक के बाद एक जुड़ती जा रही हैं। और जो अभी पेडलर गिरफ्तार हुआ, ड्रग्स पेडलर, ये आपको बता दें ये वही है जो सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स पहुँचाता था। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस में एनसीबी ने ड्रग्स सप्लायर और पेडलर रेगल महाकाल को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि महाकाल अनूप केशवानी को ड्रग्स आपूर्ति करता था। केशवानी ने इस ड्रग्स को कैजान को दिया, जो कि रिया और शोभिक के माध्यम से सुशांत तक पहुंचता था। एनसीबी की टीम अंधेरी के लोखंडवाला में छापेमार कार्रवाई करने पहुंची और ये छापेमार कार्रवाई अभी भी जारी है। बड़ी तादाद में यहां से नकदी बरामद हुई है, ड्रग्स बरामद हुआ है, छापेमारी अभी भी चल रही है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही कई एजेंसियों ने मुंबई में अपना डेरा डाल दिया है और वो लगातार मामले में छानबीन कर रही हैं। जांच के दौरान ड्रग्स से जुड़ी हुई बातें जब सामने आने लगी, उसके बाद ये कड़ियां लगातार जुड़ती जा रही हैं। अब एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी एनसीबी को। सत्यप्रकाश सोनी हमारे सहयोगी फोनलाइन पर ज़्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, ड्रग्स सप्लायर और पेडलर ये रेगल महाकाल को गिरफ्तार किया गया है एनसीबी के द्वारा। ये वही है जो अनूप केशवानी और रिया और शोभिक के माध्यम से सुशांत तक ड्रग्स पहुँचता था। यही था वो व्यक्ति जिससे ड्रग्स इन लोगों तक पहुँचती थी। जी सुनील, देखिए काफी समय बाद जो है एनसीबी एक बार फिर सुशांत मामले में एक्टिव हो गई है। जिस तरह से एनसीबी को इनपुट मिला था कि सुशांत को ड्रग्स आखिर कहाँ कैसे पहुंचता था, सुशांत के माध्यम से किन किन लोगों को जोड़ा गया, उनको जोड़कर जो है जिस तरह से रिगल महाकालों को पकड़ा गया है, उनके पास करीब 2.5 करोड़ का हशीश बरामद किया गया, मतलब बहुत बड़ी कामयाबी है इस पूरे मामले में। और लगातार कार्रवाई भी चल रही है, अभी भी ये भी बताया जा रहा है कि फिलहाल एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया और ये पूछताछ की जा रही है कि इस शख्स का संबंध और किन किन लोगों से था। लेकिन जिस तरह से कल देर रात हमारी एनसीबी डायरेक्टर जो है समीर वानखेड़े से भी थी, उन्होंने साफ तौर से ये नाम नहीं लेते हुए जानकारी दी थी कि इनका तार जो है बॉलीवुड कनेक्शन से भी देखा जा रहा है। जी, और इस मामले में ये जो गिरफ्तारी हुई है, इसे कितनी बड़ी कामयाबी माना जाए सत्यप्रकाश, क्योंकि हम लगातार ये देख रहे थे कि अभी तक वो लोग हाथ नहीं आ रहे जहां से ये पूरी भूमिका तैयार हो रही थी। और जो ड्रग्स पेडलर रेगल जो गिरफ्तार हुआ है, रेगल महाकाल, ये कहां से ड्रग्स इजाद करता था जो कि इन लोगों तक आगे सप्लाई करता था? देखिए, आज एनसीबी इसको जो है एनडीपीएस कोर्ट के स्पेशल सेल में जो है पीसी लगी। जब एनसीबी को पीसी मिलेगी उसके बाद यह साफ तय हो पाएगा कि आखिर ये चीजें कहां से आ रही थी और इतनी बड़े जो खेप मिले करीब 2.5 करोड़ का हशीश वो किस तरह से लाया गया है और कहां कहां सप्लाई किया जाता था, किन किन इनका संबंध है। ऐसा माना जा रहा है कि ये बहुत बड़ा रैकेट है, क्योंकि अब तक जो एनसीबी ने कार्रवाई की थी वो छोटी मोटी कार्रवाइयां थी, लेकिन अब जो कार्रवाई हुई है वो काफी बड़ी मानी जा रही है। ऐसे में तमाम बड़े खुलासे होने की आशंका बताई जा रही है। शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका, और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।